स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल एबीसी विद साइड एबी इज इक्वल टू एसी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जॉइन ए टू ओ, शो दैट ओबी इज इक्वल टू ओसी एंड सेकेंड पार्ट इज एओ बाइसेक्ट एंगल ए. तो ध्यान से समझना है आपको. सबसे पहला काम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये डायग्राम हो गया ट्राइंगल ए बी सी. इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर है ए सी के. अगर ए बी और ए सी बराबर होगा तो एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के. और एंगल बी का बाइसेक्टर किससे मिल रहा है? एंगल सी के बाइसेक्टर से. कहाँ पर? ओ पर. और फिर इसको आपको ज्वाइन करा देना है. और फिर क्या दिखाना है? ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को. ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1, 2 और बाकी रहने देते हैं. चलिए करते हैं. सबसे पहला ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आपको प्रूफ करना है. तो पहले पार्ट का हम लोग प्रूफ करते हैं. प्रूफ फर्स्ट पार्ट. सबसे पहली चीज़ आपको एंगल्स दिखाना है. तो आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय थियरम 7.2. ओके, बाय थियरम 7.2. थियरम 7.2 क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, फिर इसके बाद हाफ ऑफ एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी. वाई? बिकॉज ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली. ओके, इसलिए उसका आधा भी क्या होगा? बराबर होगा. तब हम जाएंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी हाफ ऑफ एंगल बी को हम क्या लिखेंगे भाई? एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी. सो बाई थियरम 7.3 लिखेंगे. Therefore, side OB is equal to OC by theorem 7.3. Theorem 7.3 क्या बोलता है? Theorem 7.3 आपको मेमोराइज होना चाहिए. आप T7.3 लिखने के बजाय पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं. अब वो क्या है? Sides opposite to equal angles are equal in length. Okay. So, ये आपने पहली चीज़ प्रूफ कर दी. सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट का प्रूफ करते हैं. इसमें आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए. इट मींस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू आपको प्रूफ करना है. चलिए करते हैं. इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ये दोनों ट्राइंगल हम लोगों ने कंसिडर कर लिया. इसमें ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आपने एबव प्रूव्ड. ओके, प्रूव एबव अभी आपने ऊपर ही से प्रूफ किया है. हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी. तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए. ये भी हमने ऊपर दिखाया, शोन. ओके, और ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये क्या है भाई? ये है गिवन. ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी बाई विच क्राइटेरिया? बाई साइड एंगल साइड. ओके, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. सो बाई देयरफॉर बाई सी पी सी टी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. हैंस AO bisects angle A.
आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ओके, ए बी पहली चीज की परपेंडिकुलर लाइन है, साथ में ये बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी। ओके, और क्या है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के आइसोसेलेस होने के लिए शर्त है कि उसके दो साइड्स आपस में इक्वल हों। इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन में क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। गिवन में है ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एज वेल एज बी डी इज इक्वल टू सी डी। ओके, बी डी इज इक्वल टू सी डी, वाई, बिकॉज दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट साइड बी सी। ओके, चलिए प्रूव करते हैं। टू प्रूव, प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, काफ़ी आसान है। ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर अगर हमने ट्राइंगल ए बी डी कंसिडर किया तो क्यों नहीं ट्राइंगल हम ए डी सी लिख सकते हैं। आप नहीं, आपको याद होना चाहिए कि जो ट्राइंगल का कंसिडरेशन होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड में होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग फॉर्मेशन में होना चाहिए। ओके, यानी सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में होना चाहिए। तो ए बी, अगर आपने ए बी डी कंसिडर किया और ए डी सी, तो इसका मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग ए डी होगा, जो पॉसिबल नहीं है। ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन हो सकता है, ए सी हो सकता है, या ए बी के जैसा कौन हो सकता है, ए सी हो सकता है। जब आप इस ट्राइंगल को ध्यान से समझें, इस ट्राइंगल को अगर आप ए डी से फोल्ड करते हैं तो ये दोनों पोर्शन एक दूसरे को क्या कर लेगा, ये दोनों पोर्शन एक दूसरे को सुपरपोज कर लेगा, ढक लेगा। ओके, तो इसलिए आपको नेमिंग में भी ध्यान रखना है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें जो है हमको मालूम है, बी डी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ से ये भी आपको ध्यान देना है कि जिस डायरेक्शन में आपने लेटर को कंसिडर किया है, क्योंकि दो वर्टिसेस मिलकर साइड बना रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में दूसरे वाले ट्राइंगल में भी आप कंसिडर करेंगे। ओके, तो इसमें आपने बी डी कंसिडर किया तो इसमें आप सी डी कंसिडर करेंगे। बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है भाई, गिवन। और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्या है, 90 डिग्री इच, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है। और तीसरी चीज़, ए डी इज इक्वल टू ए डी, आप देख सकते ए डी हमने चुना तो ये इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी ए डी उसी फॉर्मेशन में है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बाइसिपिसिटी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यही आपको प्रूफ करना था। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री सेज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ओके, सो डायग्राम से पहले समझते हैं, डायग्राम समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रूफ करना है ये दोनों एल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल हैं। आपको मालूम बी ए सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ओके, तो अगर एक एंगल 90 होगा तो दूसरे साइड का भी एंगल 90 होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री होगा। अभी आपको करना क्या है, अभी आप अगर ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ को कंसिडर करें,
अगर ट्राइंगल ए बी ई को कंसिडर करेंगे तो ये ट्राइंगल मिलेगा। इसमें आपको क्या मिल रहा है या क्या क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है, एंगल ई दिया है और एंगल ए दिया हुआ है। ओके, तो अगर आपने ट्राइंगल कंसिडर किया, ट्राइंगल ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल ए सी एफ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में हमें बी और सी एफ मिल जा रहा है, तो आपका क्या क्या जो है वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर हो जाएगी। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवेन, वाई? बिकॉज दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी 90 डिग्री ईच, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। सो बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई एंगल एंगल साइड। ओके, बाई एंगल एंगल साइड, तो बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई एंगल एंगल साइड। सो बाई सी पी सी टी बी इज इक्वल टू सी एफ। दिस इज वेरी ईजी क्वेश्चन, चलिए करते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ वन एंड टू। ओके, वन एंड टू, या बस इतना ही लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और दूसरी चीज़, सी एफ इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी और बी ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। टू प्रूफ गिवन हो गया। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ करना है बी इज इक्वल टू सी एफ, यानी एल्टीट्यूड्स क्या हो? इक्वल हो। ओके, उसके बाद आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल अभी मैंने बताया कैसे चुनेंगे आप, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ट्राइंगल ए बी ई में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आप रीजन देंगे गिवन। ओके, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन देंगे कॉमन। एंड इन लास्ट ए बी ई में एंगल ई कंसिडर करेंगे, सो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, रीजन देंगे 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री का है, इसीलिए ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, सो देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी। इसी चीज़ को आपको प्रूफ करना था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ओके,